नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। टी20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 राउंड अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। कई टीमों के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण काफी पेचीदा हो गया है, जिसमें पाकिस्तानी टीम भी शामिल है। पाकिस्तान ने हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत हासिल करके अपनी उम्मीदों को तो जिंदा रखा है, लेकिन उसके लिए किसी बड़े उलटफेर या चमत्कार की जरूरत अभी भी बरकरार है। हालांकि ये तो अभी खेले जाने वाले मुकाबलों के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान की एक खूबसूरत एक्ट्रेस सेहर शिनवारी अपने एक बयान से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। पाकिस्तान की जानी मानी एक्ट्रेस सेहर शिनवारी ने अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम को एक बड़ा अजीबो गरीब सा प्रस्ताव दिया है। ऐसे में क्रिकेट फैंस में ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर सेहर शिनवारी कौन है, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले उस ऑफर के बारे में जान लीजिए जो उन्होंने जिम्बाब्वे के क्रिकेटर्स को दिया है। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में दोनों ही देशों के फैंस कितने ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं ये तो आप भी जानते ही हैं। ऐसा ही कुछ सेहर शिनवारी के साथ भी हुआ। दरअसल पाकिस्तानी टीम टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने की कगार पर है। टीम अब अगर मगर के पेंच में फंसी हुई है। वहीं दूसरी तरफ भारत को अपना आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है। ऐसे में सेहर शिनवारी ने कहा कि अगर जिम्बाब्वे की टीम भारत को हरा देती है तो वो वहां के किसी भी लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। सेहर शिनवारी इतनी जज्बाती हो गई कि वो ये भी भूल गई कि ये वही जिम्बाब्वे की टीम है जिसने पाकिस्तान को भी धूल चटाई थी। सेहर शिनवारी के बारे में आपको बता दूं कि उनका जन्म पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में हुआ था। उनका ताल्लुक कोहट इलाके के शिनवारी समुदाय से है और उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2014 में कॉमेडी सीरियल शेर सवा शेर से की थी। हालांकि शिनवारी का परिवार उनके एक्टिंग करियर के खिलाफ हमेशा से रहा, लेकिन उन्होंने फिर भी पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट जगत में अपना खूब नाम कमाया। इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी अपनी बेबाक बयानबाजी से सुर्खियों में बनी रहती हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब सेहर ने अपने बेबाक बयान को लेकर सुर्खियां बटोरी हों, बल्कि इससे पहले भी वो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जिमी नीशम पर भी फिदा हो चुकी हैं। सेहर ने साल 2019 में जिमी नीशम को खुलेआम ट्वीट करके कहा था कि वो भविष्य में उनके बच्चे की मां बनना चाहती हैं। सेहर शिनवारी अक्सर क्रिकेटरों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कमेंट करती रहती हैं और ऐसा ही कुछ उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ किया था। टी20 विश्व कप से पहले जब ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के दौरे पर आई थी तो टीम इंडिया को पहले मैच में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में हार्दिक ने शानदार बल्लेबाजी की थी। फिर इसके बाद उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि हम सीखेंगे, हम और बेहतर होंगे, हमारे सभी फैंस को साथ देने के लिए शुक्रिया। इस पर सेहर ने हार्दिक को रिप्लाई किया कि प्लीज पाकिस्तान के खिलाफ अगला मैच 23 अक्टूबर को हार जाना ताकि इससे तुम्हें और भी ज्यादा कुछ सीखने को मिले। हालांकि सेहर को पांड्या से पंगा लेना काफी महंगा पड़ गया था और सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस ने उनकी जमकर खिल्ली उड़ाई थी। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सेहर शिनवारी के जिम्बाब्वे टीम को लेकर दिए अजीबोगरीब बयान पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।